गया। अरे हम भी गए, बच गया। बच्चों की तरह गेम खेले। गुड इवनिंग एवरीवन, और स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे एक और नए व्लॉग में। और इतना दिन तो हमारा ट्रैवल ही चल रहा था, बैक टू बैक, और अभी घर आने के बाद वैसे अलग अलग प्लान हो रहा था, यहाँ जाएंगे, वहां जाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। लेकिन अभी घर पे है तो सोच रहे थोड़ा घर का ही कॉन्टेंट दिया जाए आप लोगों को। वैसे तो बहुत बनता जाए दादा बोधी, क्योंकि भाई देखो हम लोग का यहाँ रहना ही इतना कम होता है, सोच नहीं पाते कि भाई क्या करें क्या नहीं करें। फिर सोचते फिर चले जाएंगे, निकल जाएंगे, फिर एक महीना डेढ़ महीना के लिए दादा बोधी बिरयानी मिस हो जाएगा या फिर ये मिस हो जाएगा। वही अभी हम लोग प्लान कर रहे थे जाए या नहीं जाए। फिर मैंने सोचा कि क्यों ना आज घर पे ही कुछ बढ़िया बनाया जाए, देसी चिकन टाइप कुछ घर पे ही, जो हमारे घर में बहुत दिनों से बनते आ रहा है, जो मम्मी को मैं देखते आ रहा हूँ बनाते हुए। जो हमारा घर पे देसी स्टाइल मटन बनता है ना, वो आप लोगों को भी दिखा दूं कैसे हम लोग घर पे मटन या फिर चिकन बनाते हैं। चिकन तो नहीं, मटन बता रहा हूँ कैसे बनाते हैं। तो अभी एक काम करना पड़ेगा, सबसे पहले काफी सारा सामान है वो है ही नहीं घर पे, क्योंकि अभी मम्मी भी निकल गई थी, तो फ्रिज में ज्यादा कुछ रखी नहीं थी मम्मी, खराब ना हो जाए। तो अभी एक काम करना पड़ेगा, बहुत सारा सामान लाना है, तो सबको लेकर आ जाते हैं, प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं। जब देसी मटन अपना बनाना स्टार्ट करेंगे ना, तब आपको दिखाएंगे एक एक चीज कैसे कैसे क्या क्या हम लोगों ने डाला है, आप कैसे बना सकते हो अगर आपको ही बनाने का मन है तो। हाँ जी, तो मार्केट से अभी मैं आ गया हूँ, और क्या भयंकर भीड़ था भाई आज मार्केट में, सच बता रहे। एक्चुअली कल है क्रिसमस, पहले तो आप सभी लोगों को मैरी क्रिसमस। एक्चुअली काफी लोग फिस्ट करते हैं ना, पता नहीं आपके साइड में ऐसा होता है कि नहीं, लेकिन यहाँ पे ना हमारे यहाँ पे 24 के नाइट को और 31st नाइट को यहाँ पे लोग फिस्ट करते हैं, अपने अपने छतों पे, अपने अपने घर के पास में म्यूजिक वगैरह बजाते हैं, लाइट्स वगैरह लगाते हैं, लाइक कैसे क्या ना चिकन मटन बनाते हैं काफी लोग, मतलब कुछ कुछ पैसा 100-200 रुपए करके मिला करना वो फीस्ट करते हैं, मजा आता है। मैंने भी बहुत किया है, जब मैं अपने पुराने वाले घर में रहता था ना तब वहाँ बहुत होता था ये, यहाँ तो सब फ्लैट में भाई सभी बिजी है, अपने अपने लाइफ में सभी बिजी है, यहाँ ये सब तो उतना होता नहीं है। लेकिन हाँ, पुराने वाले घर में हम लोग बहुत करते थे, 100-100 रुपए मिलाते थे, सब मिलके चिकन मटन ये सब बनाते थे, चिकन ही बनता था, मटन तो नहीं बनता था। लेट नाइट तक जगते थे हम लोग, पहले वो फिस्ट होता था, फिर खाना खाते थे, और उसके बाद तो लेट नाइट तक वो भूतों की कहानियां सुनाओ, कुछ भी उल्टा फुल्टा फेक भूत की कहानी सुना दो। बहुत सुना भी हूं मैं, बहुत सुनाया भी हूं मैं अपनी तरफ से फेक कहानी बना के। यही सब था पहले तो, यही क्रिसमस हम लोग का क्रिसमस यही होता था। और आज हम लोग कर रहे हैं यहाँ पे, हम तीनों मिलके, मैं लवली और मम्मी मिलके कर रहे हैं फिस्ट घर पे। फिस्ट में मतलब बनाऊंगा मैं ही देसी स्टाइल मटन बनाऊंगा, राइस मम्मी बना देगी, क्योंकि मम्मी जो राइस बनाती है ना वो अलग ही जादू मम्मी कर देती है राइस में, इसलिए वो काम मम्मी के ऊपर है। वेजिटेबल कट करना लवली के ऊपर है, और मटन बनाना मेरे ऊपर है। तो सारा काम हो चुका है, बाकी इसके आगे का दिखाता हूँ मैं क्या क्या हो रहा है। क्रिसमस फेस्ट इतने दिनों बाद, ये घर में हमारा दूसरा क्रिसमस है ना, इसके पहले वाले क्रिसमस में मैं और मम्मी पूरी में थे, और इस बार के क्रिसमस में साथ में हम लोग हैं, बहन लोग भी रहते हैं, लेकिन सब अभी थका है, अभी सब थका हुआ है। एक्चुअली हम लोग घूमते रहते हैं, हम लोग जीते हैं बंजारो वाला लाइफ, लेकिन हाँ सबका हैबिट नहीं है इतना ट्रैवल करने का। भाई आप लोग को लगता होगा मोहित भाई का लाइफ बेस्ट है, घूमते रहो ये करते रहो, नहीं भाई, घूमना भी एक बहुत ही ज्यादा हेक्टिक काम होता है। आपको लगता होगा ऐसे कि नहीं यार मजा है इसमें, मजा है नो डाउट, अगर आपका शौक है घूमना, आपका प्रोफेशन ही है घूमना, तब तो मजा है, ऐसा बात नहीं है, लेकिन हेक्टिक हो जाता है कभी कभी, क्योंकि हर दिन आप वो चीज नहीं कर सकते, मतलब समझो तो बॉडी के साथ टॉर्चर ही होता है। और मेरा बॉडी इस टाइप का है ना, मैं आपको बता रहा हूँ, थोड़ा सा भी उल्टा फुल्टा खाऊंगा वो बॉडी में आपको दिखेगा, जहां मैं एक सप्ताह दो सप्ताह कंट्रोल कर लिया वो भी आपको फर्क दिख जाएगा। तो ये चीज मैंने देखा है, बाकी लवली का ठीक है, उसका खाओ नहीं खाओ उसका कुछ पता ही नहीं चलता है। ऐसे बहुत लोग होते हैं मैंने देखा है जो मतलब उनका बॉडी एकदम वैसे ही रह जाता है, चाहे वो वर्कआउट करे या ना करे, डाइट करे या ना करे, उनका बॉडी वैसे ही रह जाता है। बाकी एक काम करते हैं, देख लो मम्मी का ऑलरेडी राइस हो चुका है, तो इसको अभी साइड करेंगे, अब प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे मटन का। लवली ऑलरेडी यहाँ पे देख लो अनियन वगैरह कट कर दिए, ग्राइंड कर दिए, क्या क्या इसमें अदरक लहसुन मिर्च हरी मिर्च वगैरह सब कुछ ग्राइंड कर दिए। अब काम है मेरा, तो चलो अपना काम स्टार्ट करते हैं। तो देख लो अपना देसी मटन बनाने के लिए ना, मैं यहाँ पे एक थोड़ा सा सेटअप रेडी कर लिया हूँ ताकि आप लोगों को फटाफट दिखा सकूँ। ये अपना मटन है, 700 ग्राम हम लोगों ने मटन लिया है, और इसके अलावा ये सारा खट्टा प्याज है, लहसुन है, अदरक है, मीट मसाला, सारा मसाला है। क्या क्या जाएगा एक एक करके मैं बताता हूँ, ये ग्राइंड किया हुआ सारा मसाला भी है। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले करते हैं अपने मटन को मैरिनेट। तो मैरिनेट करने के लिए आपको क्या करना होगा वो आपको दिखाते हैं। यहाँ पे सबसे पहले ले लेंगे अनियन, अनियन मैं पूरा नहीं लूंगा, थोड़ा सा रखूंगा मैं, क्योंकि मैं थोड़ा सा अनियन फ्राई करना पसंद करता हूँ। ये मसाले का डब्बा है, तो ये जो देख रहे हो ना ये तीखी लाल मिर्च है, तो ये आप देख लेना आप कितना तीखा खाते हो उस हिसाब से डालना, ठीक है इतना चलेगा। ये जीरा पाउडर, ये हल्दी, मुझे अपने खाने में ना हल्दी डालना ज्यादा पसंद नहीं है, ये आपके ऊपर है, अगर आप डालना चाहते हो तो डाल सकते हो, लेकिन हाँ मुझे उतना पसंद है इसलिए मैं एकदम थोड़ा सा डालूंगा। अब इसमें जाएगा ये ब्लैक पेपर पाउडर, अच्छा रंग के लिए इसमें जाएगा कश्मीरी लाल मिर्च,
धनिया पाउडर मैं अपने अंदाजे से डाल रहा हूँ, आप मतलब देख लेना कितना डालना है। और ये है मीट मसाला, ये डाल देंगे मीट मसाला। थोड़ा सा और अच्छा कर देते हैं इसको हल्का सा मिक्स करके। वैसे आप हाथ से मिक्स करना, लेकिन वीडियो में ना हाथ से मिक्स करना थोड़ा गंदा लगता है, इसलिए इसका यूज कर रहे हैं। कैमरा बंद होते ही हाथ ही जाएगा इसके अंदर। इसको अच्छे से मिक्स करना है थोड़ा सा, बट अभी और जाएगा इसमें, रुको, ये तो जस्ट अभी शुरुआत है। अब दिखाता हूँ मैं इसमें क्या क्या जाता है, ठीक है। अब डालेंगे इसमें दही। वैसे दही काफी लोग डालना पसंद करते नहीं, बट मेरे को पसंद है भाई। तो इसमें दही जाएगा अच्छे से। दही डाल दिया मैंने, नमक स्वाद अनुसार देख लेना आप भी। बाकी ये जो लवली ने जो पेस्ट बनाया था, अदरक लहसुन एंड ग्रीन चिली डालकर, ये पेस्ट भी डाल देंगे इसके अंदर। पहले तो पेस्ट को ना अच्छे से निकालना पड़ेगा। तो ये ले लिया मैंने पेस्ट यहाँ पे, अदरक लहसुन एंड हरी मिर्च का। अब सबसे मेन देख लो, यहाँ पे जाएगा ये मटन। ये मटन गया अंदर। अब मिक्स करने से पहले एक काम जो सबसे ज्यादा जरूरी है, अब इसमें हम डालेंगे ये सरसों का तेल। मटन हमेशा सरसों के तेल में ही बनता है। मस्टर्ड ऑयल, तो ये मस्टर्ड ऑयल हम लोग अच्छे से ले लेंगे भाई। काफी लोग तो गरम तेल डालते हैं, लेकिन मैं तो फिर भी ठंडा तेल डाल रहा हूं मैं। ये सब कुछ गया, अब इसको अच्छे से कर लेना है मिक्स। ऐसे ही देख के मुंह में पानी आ रहा है, बाकी का तो छोड़ ही दो आप। मम्मी तो और भी अच्छा बनाती है, लेकिन अब मम्मी को ये सब हम फरमाइश करना छोड़ दिए। क्या होता है ना, ये सब बनाने में मतलब थोड़ा मेहनत है, ये करो वो करो इधर करो उधर करो। अब मम्मी इतना देर किचन में रहेगी, उससे अच्छा भाई हम सीख चुके हैं तो मम्मी को ही अपना बना के खिलाएं। चलो जी, अभी अपने किचन में आ गया हूँ मैं। यहाँ पे मैंने कढ़ाई बैठा लिया है, और वो जो अहुना मटन आप सुनते हो ना, जो बिहारी अहुना मटन होता है, उसका भी रेसिपी सेम होता है। और अगर आप ये सोच रहे हो बिहारी अहुना चीज क्या होता है, ये अहुना क्या है, एक्चुअली वो जो मिट्टी का जो घड़ा होता है ना जिसमें बनता है मटन, वो मिट्टी के घड़े को बिहारी में अहुना बोलते हैं। उसको प्रोसेस सेम ही रहता है काफी हद तक। जो अहुना मटन बनता है वो डायरेक्टली यही बन जाएगा, ये जो मैंने मैरिनेट किया चला जाएगा वो अहुना में, मतलब वो मिट्टी के घड़े में चला जाएगा। मैं अभी क्या कर रहा हूँ, घर में बना रहा हूँ, देसी स्टाइल बना रहा हूँ। तो इसमें मैं थोड़ा सा अपना तड़का देता हूँ। जैसे मैं क्या करता हूँ ना, प्याज को थोड़ा फ्राई करता हूँ, देख लेना आप लोग मैं क्या क्या करता हूँ अलग से, इसलिए मैं इसको अहुना मटन नहीं बोलूंगा, इसको मैं बोलूंगा अपना देसी स्टाइल मटन। बाकी ये कढ़ाई को फुल फ्लेम में मैंने बैठा लिया है, और इसके बाद में क्या क्या इसके अंदर जाएगा सब बताता हूँ आपको। बाकी मटन को ना मैरिनेट करने के लिए कम से कम 1-1.5 घंटा आपको रखना पड़ता है, लेकिन ठीक है चलो कोई नहीं, वो हो जाएगा। जब तक ये सब काम चलेगा आधा घंटा तो हो ही जाएगा। देख लो यहाँ पे मस्टर्ड ऑयल मैंने ले लिया है, और मैं बार बार आपको बता रहा हूँ ये जो मटन है ना मस्टर्ड ऑयल में ही काफी अच्छा बनता है। यहाँ पे एक चीज मैं आपको दिखाता हूँ, जो देसी मॉम सब होती है ना, जितना भी बढ़िया बढ़िया डब्बा लाकर दे दो, ये देख लो सारा कॉफी का डब्बा में मसाला भरा हुआ है। ये जो जार है ना इसको फेंकेगी नहीं मम्मी, इसमें सारा मसाला भर के रखेगी। चलो कोई बात नहीं, अब सबसे पहला काम है इसमें जाएगा ये अदरक लहसुन, इसको डालेंगे दूर से थोड़ा जाए अंदर, साथ में प्याज भी डाल देंगे। जलाना नहीं है, एक चीज का ध्यान रखना जलाना नहीं है, इसको थोड़ा सा चलाएंगे। अब क्या कर देंगे इसमें, यहाँ पे देख लो ये जीरा है, खड़े मसाले हैं, लाल मिर्च है, सूखी लाल मिर्च है, तेज पत्ता है, सबको एक साथ डाल देंगे। आधा प्याज ऑलरेडी मैंने मटन को मैरिनेट करते टाइम डाल दिया है, और आधा प्याज ऐसे मैं भून लूंगा अच्छे से। इसमें मैं थोड़ा सा चीनी डाल दूंगा, चीनी डालने से ना काफी बढ़िया कलर आ जाता है इसमें। बाकी ये आपके ऊपर है मत डालना, लेकिन ये मेरा तरीका है, मैं डालता हूँ इसलिए मुझे पसंद है। चलिए इसको अच्छे से भून लेते हैं पहले। यहाँ देख लो प्याज जो है ना इसको काला नहीं करना है, गोल्डन ब्राउन करना है, तो काफी हद तक गोल्डन तो हो चुका है ये। तो अब एक काम करेंगे, ये जो मैरिनेटेड मटन है ना वो इसमें आप मिक्स कर देंगे, ये एक एक करके जाएगा इसमें। अभी मटन को ना अच्छे से चला लूंगा थोड़ा सा, ये देख लो ये जो अदरक लहसुन मिर्च का जो पेस्ट बचा था ना वो, और ये पानी मिक्स करके इसमें थोड़ा सा पानी डालूंगा मैं। अभी से ही देख लो पानी छोड़ना स्टार्ट हो गया है, तो ये पानी जाएगा। उससे पहले मैं ये देख लो 2 साबुत लहसुन डाल दे रहा हूँ इसमें। पकने के बाद ये जो लहसुन है ना इससे ज्यादा टेस्टी कुछ हो ही नहीं सकता। अच्छे से मिक्स कर लिया, अब इसको कुछ करना नहीं है, बस ढक के रख देना है, एकदम लो फ्लेम में पकने देना है, क्योंकि ये मटन है कुक होने में भाई बहुत टाइम लगने वाला है। अगर आप मटन घर पे बना रहे हो, चाहे मटन का कोई भी प्रिपरेशन कर रहे हो, एकदम शिद्दत से, एकदम मतलब आराम से, कोई हड़बड़ी नहीं, इसलिए हम लोग देख लो एकदम थोड़ा रात में बना रहे हैं, ताकि अब कुछ करने को है भी नहीं अपने पास, टाइम ही टाइम है अपने पास अभी। चलो अब इसको ढकते हैं, आधे घंटे बाद दिखाते हैं ये कैसा दिख रहा है। अभी देख लो, अभी अपना मटन अभी जब तक आधे घंटे के लिए बैठा हुआ है तब तक गेम खेल लेते हैं, प्ले स्टेशन भी है, लेकिन अब वो अगर खेलने बैठेंगे ना तो 2-3 घंटा ऐसे ही चला जाएगा। ये क्या है कि मजा आता है भाई आईपैड में ये गेम खेलने में ना, बहुत मजा आता है। अभी गेम लवर हो गया है। अच्छा एक बात बताऊँ, गेम लवर कब नहीं थे? अभी कुछ ज्यादा ही हो गया, फर्स्ट आना ही है हमको जैसे भी। फर्स्ट तो आना ही है जैसे भी करके।
अभी स्टंट मारेंगे। ये सब गेम पहले बहुत खेलते थे, अभी टाइम ही नहीं मिल पाता ना, आधा टाइम तो बाहर ही रहते हैं हम लोग। जो टाइम मिलता उसमें रिटेन शॉट। नाइट्रो मारो, नाइट्रो मारो, फर्स्ट आ जाओ, फर्स्ट आ जाओ। देखो फर्स्ट उड़ के चला गया, देखिए। ओ शिट, आ जा भाई, आ जा आ जा, इसको हराना है, ये फर्स्ट है। गया, अरे हम भी गए, बच गया। बच्चों की तरह गेम खेले। अभी ट्रेन आएगा देखना, देख रहा है। ये हर बार आता है ट्रेन, लगता है इसको टाइमिंग पता। ओ देखो एक और ट्रेन, इसको टाइमिंग पता है कि अभी हम लोग जाएंगे, फिर एक स्टंट मारेंगे। देखो वाओ 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 मोहित वाओ, फर्स्ट है भाई, हम फर्स्ट है, देख लो। नहीं 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 नहीं, ये देखो फिनिश, गुड, फाइनली विनर, मल्टी टैलेंटेड मोहित। वो अलग बात है, बच्चों वाला लेवल है। अभी गेम वेम खेलना थोड़ा हो गया है, मैडम अभी रील्स वगैरह देख रही है, और यहाँ पे ना मैंने किचन का लाइट बंद कर दिया है सारा, और वहां पक रहा है अपना मटन, और क्या फ्रेग्रेंस आ रहा है यार। फिलहाल अभी लाइट ऑन करते हैं, दिखाते हैं अभी कैसा कलर आया है अराउंड 20 मिनट बाद। ओके 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 भाई साहब, मैं आपको बता नहीं सकता, ये देखकर ही डिलीशियस लग रहा है। पता नहीं आप लोगों कैमरा में कैसा दिख रहा है, कमाल का कलर आ रहा है धीरे धीरे, जिस जो कलर मैं चाह रहा था एग्जैक्टली वही कलर आ रहा है। मेरे को ना येल्लो टाइप का मटन या फिर कुछ ज्यादा ही रेड वैसा पसंद नहीं है, वो थोड़ा ब्राउन टाइप का जो मटन होता है ना वो मेरे को ज्यादा डिलीशियस लगता है। बाकी इसको थोड़ा सा चला देते हैं फिर ढक देंगे। लास्ट में जो चेक करके गया था ना उसके 20 मिनट बाद मैं वापस से आया हूँ। मटन अगर आप बना रहे हो ना तो एकदम, मैं बोला ना टाइम लेकर बनाना। यहाँ देख लो मम्मी सोई हुई थी, अभी उठकर आ गई है। क्यों आई हो मम्मी? गंध और भूख बढ़ गई। खुशबू, खुशबू बोलो, खुशबू से और भूख बढ़ गया है। तो मम्मी नमक टेस्ट कर लो, क्योंकि हमको ना नमक का डाउट है, क्योंकि हम नमक बहुत कम डाले थे। कमाल का लग रहा है दिखने में ये अभी से ही भाई। मटन में तो ऑलरेडी काफी बढ़िया कलर आ चुका है, मटन ऑलमोस्ट कुक भी हो चुका है, लेकिन हमें खाना है इसे गर्मा गर्म राइस के साथ, तो इस ग्रेवी के साथ तो आप खा नहीं सकते। अगर आपको रोटी के साथ खाना है ना तो ज्यादा कुछ नहीं, और 15 मिनट ऐसे ही रहने दो, ये तैयार है रोटी के साथ खाने के लिए। लेकिन हमें खाना है राइस के साथ, इसलिए हम क्या करेंगे इसमें पानी ऐड करेंगे। लेकिन एक और बात है, अगर आप मटन चिकन कुछ भी बना रहे हो ना, ऐसा नहीं कि आप ठंडा पानी उसमें डाल दो, इससे क्या होता है वो जो कुकिंग प्रोसेस होता है ना वो रुक जाता है, और उससे टेस्ट में भी थोड़ा फर्क पड़ता है। इसलिए जो भी आप इसमें पानी ऐड करो वो गरम करके ऐड करना, मतलब ठंडा पानी मत डाल देना, हल्का जो बॉयल पानी होता है ना वही डालना, जिससे क्या होता है इसका कुकिंग प्रोसेस भी नहीं रुकेगा और सेम मतलब कुक होते ही रहेगा। चलो जी, ये पानी हम लोगों ने ऐड कर दिया, अब थोड़ा सा मटन को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। लाजवाब। और मम्मी ने अभी नमक टेस्ट किया तो मम्मी बोली थोड़ा सा नमक जाएगा, क्योंकि राइस के साथ खाना है ना तो नमक, रोटी के साथ खाना होता तो ये नमक बढ़िया था, लेकिन राइस के साथ खाना है तो थोड़ा और नमक जाएगा इसमें। चलो जी, ये फाइनल चेक है अभी पानी डालने के बाद। ओहो हो, यही तो चाहिए था मुझे, लग रहा है ना डिलीशियस। तो देख लो यहाँ आ चुका है अपना खाना, आज का फीस्ट जो भी बोलो आप, गर्मा गर्म राइस साथ में अपना देसी मटन, और प्याज तो अपना है ही। अब देखो अब यहाँ पे मैंने बनाया है, अब अपने मुंह से अपना तारीफ करूंगा ना तो मुझे खुद भी अच्छा नहीं लगेगा। लवली है, मम्मी है, उन लोगों से पूछते हैं उनको कैसा लगा। बाकी यहाँ पे अभी अपना खाना तो हो रहा है, मम्मी भी खा रही है, और एक्चुअली ये मम्मी का ही रेसिपी है। मम्मी का रेसिपी मैं कितने अच्छे से बना पाया हूँ वो तो मम्मी को ही पता है। बहुत अच्छा बना बेटा, मेन बात है हम अपने से बनाते। झूठा तारीफ मत करो, ऐसा मत करो कि मेहनत की इसलिए तारीफ कर रही हो। नहीं बेटा, हम ही बनाते ना तो हमको इतना जल्दी भूख भी नहीं लगता। अभी बना रहे थे ना तो हम घर में लेट के वीडियो देख रहे थे, लेकिन हम गंध से आ गए, हमको भूख। सुगंध सुगंध, गंध तो गंदा गंध हो गया ना। लवली से पूछते हैं कैसा बना है। बहुत
बहुत डिलीशियस बना है, बहुत ज्यादा, थोड़ा स्पाइसी हो गया है बट चलेगा। तुम इंतजार करो, हम खा लिए, ये लोग खा रहा है, एंजॉय कर रहा है, और क्या चाहिए। यही है हमारा आज का 25th का पार्टी, मतलब क्रिसमस पार्टी अपना घर पे। आप सभी लोगों का एडवांस में मैरी क्रिसमस। वैसे कल तो मैं वीडियो एंड नहीं कर पाया, चलो कोई नहीं, अभी कर देता हूँ मैं। एक्चुअली अभी घर पे ना एयरटेल वाले लोग आए हुए हैं। मैं अपना जो फाइबर है, वैसे तो मैं जियो फाइबर यूज कर रहा था, अभी मैं एयरटेल का लगा रहा हूँ। अभी जियो फाइबर भी रहेगा कुछ दिन, क्योंकि जब तक उसका पैक चल रहा है, क्योंकि जियो फाइबर का ना पता नहीं बहुत प्रॉब्लम आ रहा था, कभी स्पीड एकदम स्लो हो जाता है, कभी ठीक चलता है, बहुत प्रॉब्लम कर रहा था। और जब भी मैं ऐसे कंप्लेन करता था तो वो बोलते थे कि आप एक बार उसको बंद करके फिर से ऑन कर लो, मशीन को पूरा बंद करके चालू कर लो। समझ में नहीं आया मेरे को। अभी देखो एयरटेल भी मैं लगा रहा हूँ, ये जो पीछे वायर वगैरह देख रहे हो ना, अभी सारा प्रोसेस चल रहा है, देखो कितना टाइम लगता है। फ्री में ही लग रहा है, मतलब बस वो जो इंटरनेट जितने का मैं पैक डलवाऊंगा वही मुझे पे करना है, मशीन वगैरह का कोई ऐसा चार्ज नहीं है। तो चलो वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करते, अगर यहाँ तक देख लिया तो वीडियो को लाइक कर देना, और अभी तक इस फैमिली से नहीं जुड़े हो ये जो नीचे सब्सक्राइब बटन है इसको क्लिक करके बन जाना इस फैमिली का हिस्सा। चलो मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय। Quiere farra, farra, farra. Ella está soltera, no tiene alguien que la amarra.